हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में हिमालय के एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी अपने कोई न्यू वीडियो डालूंगी उसे सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर देख सकोगे। एंड गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल वर्षा 1996। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिएगा गाइस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास में है यहाँ पर हिमालय का जेंटल बेबी शैम्पू, एंड आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है देखने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। मुझे किसी भी तरह के कार्ड बॉक्स में या फिर डब्बे में पैक करके नहीं मिला है, मुझे खाली इसी तरह से बोतल में मिला है। एंड वाइट कलर की ये बोतल है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की कैप दी गई है, एंड इसके ऊपर मेंशन किया गया है हिमालय जेंटल बेबी शैम्पू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर मेंशन कर दिया गया है, एंड इसके ऊपर ग्रीन कलर से इसके बारे में मेंशन किया गया है, एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। 320 रुपीज़ इसका प्राइस है, 3 ईयर इसकी सेल्फ लाइफ है, 400 ml इसकी क्वांटिटी है, एंड आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। इसकी सेल्फ लाइफ एंड प्राइस वगैरह इसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये आपको 400 ml की क्वांटिटी में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो इसका छोटे वाला पैक भी ले सकते हैं, उससे छोटा भी ये मिल जाता है, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। एंड इससे बड़ा अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका बाय लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो उस लिंक के थ्रू भी इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो इसे लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, इजीली आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके वर्क के बारे में। अगर आपके बच्चे के बाल कुछ इस तरह के हैं तो आप इस शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के बाद आपके बच्चे के बाल कुछ इस तरह के हो जाएंगे, एंड आपके बच्चे के बाल ब्लैक हो जाएंगे, काले, घने, सिल्की, स्मूथ हो जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई अच्छा सा शैम्पू ढूंढ रहे हैं जो कि उसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना करे, तो आप हिमालय के बेबी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको एक सलाह दूंगी कि जब तक आपका बच्चा 5 ईयर्स का ना हो जाए तब तक आप उसके लिए जॉनसन्स एंड हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ करें। इसके अलावा आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स उसके ऊपर यूज़ ना करें, चाहे वो शैम्पू हो या फिर साबुन हो या फिर पाउडर हो, तेल हो, कुछ भी हो, आप उसके लिए सिर्फ जॉनसन्स एंड हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ करें, जो कि बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप अपने बच्चों के बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे करना चाहते हैं, घने करना चाहते हैं, तो आप इस शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके बच्चे के बालों पर आपको दिखाई देगा। एंड गाइस, इसे बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों पर ही यूज़ किया जा सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि इसे ओनली बच्चों के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसे टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, इसे आप समर्स और विंटर्स दोनों ही सीजन में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टाइट कैप है, सो मैसी आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एंड आप देख सकते हैं इस तरह से वाइट कलर का ये प्रोडक्ट है, सो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का। फ्रेग्रेंस की अगर इसकी बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सी फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही है। वाइट कलर का है ये, एंड पानी की तरह का है, सो इसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया है। इसके ऊपर मेंशन भी कर दी गई है ये चीज़, एंड यहाँ पर मेंशन की गई है इसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं है, इसमें पैराबीन नहीं है, सल्फेट नहीं है, ऑब्वियसली बच्चों के लिए है तो 100% सेफ़ है। सो अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने बच्चे के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से इसके लिए बिग थम्स अप है। एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, सो एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है या नहीं किया है। अगर किया है अपने बच्चों के लिए तो इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला है। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।